बाय नित्या कपूर। तो लास्ट क्लास में हमने अच्छे से पढ़ लिया था कि सिंपल फ्यूचर टेंस क्या होता है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज इस वीडियो के बाद जाके वो वीडियो देखिए। इनफैक्ट पूरे टेंसेस की एक प्लेलिस्ट है मैंने जो बनाई है, उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी। अगर आपको आज तक लाइफ में टेंसेस समझ नहीं आया ना, आप उस वीडियोस को देख लो, आप उन वीडियोस को देख लो। मैं गारंटी देती हूँ कि आपको वो सारे के सारे टेंसेस अच्छे से समझ आ जाएंगे और रट जाएंगे, क्योंकि हम इतने ध्यान से, इतने डिटेल से, इतने सारे एग्जाम्पल्स के साथ इसको कर रहे हैं। तो चलिए, अब मैं स्क्रीन शेयर कर रही हूँ ताकि हम आगे का कर सके। तो अब हम आज देखने वाले हैं कि हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है। तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस सबसे पहले तो हम यूज कहाँ करते हैं। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस हम तब यूज करते हैं जब, जैसे कि मेरे को बोलना होगा कि मैं किसी से बात करी और किसी ने मेरे को कहा कि वो आज शाम को 6 बजे मेरे से मिलने आएगी, तो मैं ये कहूंगी कि जब तुम मेरे से मिलने आओगी ना, तब मैं पढ़ाई कर रही हूँ, कि जब तुम आओगी उस टाइम पे मैं पढ़ रही हूँ। तो फ्यूचर में कोई चीज होगी और उस टाइम पे जब वो टाइम आएगा तब कुछ और काम हो रहा होगा, ठीक है। जैसे कि when you will be coming, I will be studying. When you will come to meet me, I will be studying. ऐसे कुछ, ठीक है। तो अब देख लेते हैं कि इसमें क्या सब्जेक्ट के साथ क्या ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, वर्ब का क्या होता है, ये सब देख लेते हैं। तो लेट मी बी वेरी क्लियर, ये बहुत इजी है। इसमें सारे सब्जेक्ट्स के साथ एक ही ऑक्सिलरी वर्ब लगता है, वर्ब के साथ भी एक ही चीज आती है, कॉन्टिन्यूअस है तो वर्ब के साथ क्या आ जाता है, आईएच, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। सेंटेंस में सबसे पहले होता है सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट कोई भी हो, आई हो, ही हो, शी हो, इट हो, दे हो, वी हो, या यू हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, ठीक है। अब सब्जेक्ट देख लिया, सब्जेक्ट के बाद क्या आता है, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हमारा हेल्पिंग वर्ब। यहाँ पर एक ही हेल्पिंग वर्ब लगता है, वो है विल बी। कोई भी सब्जेक्ट हो, आई ही शी इट दे वी यू, कोई भी सब्जेक्ट हो, हमारा जो हेल्पिंग वर्ब लग रहा है वो हमारा हेल्पिंग वर्ब एक ही है, और वो कौन सा हेल्पिंग वर्ब है, वो है विल बी। अब हेल्पिंग वर्ब भी हो गया। अब सेंटेंस का तीसरा पार्ट क्या होता है, वर्ब। वर्ब में क्या, मैंने आपको बता दिया, जहाँ कॉन्टिन्यूस है वहां आईएनजी आता है। तो कोई भी वर्ब है उसके साथ बस आईएनजी लगाना है। जैसे यहाँ पर मैंने स्टडी लिखा था तो मैंने स्टडिंग लगा दिया, कम होता तो कमिंग हो जाता, ग्रो होता तो ग्रोइंग हो जाता, स्लीप होता तो स्लीपिंग हो जाता। तो आई ही शी इट यू विल बी स्टडिंग, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब क्या है, विल प्लस बी, और वर्ब के साथ क्या लग रहा है, आईएनजी। तो चलो अब हम इसके पॉजिटिव, नेगेटिव और क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस देखते हैं। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस को हम इंटरोगेटिव सेंटेंसेस बोलते हैं, ये मैं अपनी सारी वीडियोस में बोलती आती हूँ, तो प्लीज ध्यान रखिएगा। तो अफर्मेटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस कुछ नहीं होता। अफर्मेटिव सेंटेंस मतलब पॉजिटिव सेंटेंस जिसमें कोई नेगेटिव नहीं है, जिसमें कोई नॉट नहीं है, जिसमें कोई क्वेश्चन मार्क नहीं है, सीधा सीधा एक पॉजिटिव सेंटेंस होता है, ठीक है। तो आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल, तो आई क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल बी क्या हो गया मेरा हेल्पिंग वर्ब, और प्ले के साथ आईएनजी, फुटबॉल ऑब्जेक्ट। तो यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल बी प्लेइंग फुटबॉल, शी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, इट विल बी प्लेइंग फुटबॉल, वी विल बी प्लेइंग फुटबॉल, यू विल बी प्लेइंग फुटबॉल, दे विल बी प्लेइंग फुटबॉल। तो कोई भी सब्जेक्ट है, कोई भी सब्जेक्ट आता है उसके साथ ऑक्सिलरी वर्ब या हेल्पिंग वर्ब क्या लग रहा है, विल बी, और वर्ब के साथ भी क्या लग रहा है, आई एन जी, कोई डिफरेंस नहीं आ रहा। अब बनाते हैं नेगेटिव। अब नेगेटिव कैसे बनाते हैं, नेगेटिव बनाते हैं सब्जेक्ट के बाद आता है ऑक्सिलरी वर्ब, ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट लगा के। और अगर हम विल और नॉट को ऐड कर दें तो हमारा बन जाता है वोंट। विल और नॉट को अगर हम ऐड कर दें तो बन जाता है वोंट। तो आप विल नॉट भी लिख सकते हो, और आप यहाँ जैसे लिख रखा है वोंट, आप वोंट भी लिख सकते हो। तो आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल था तो क्या बन गया, आई विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर आई वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल, यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर यू वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल, ही विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर ही विल नॉट वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल,
शी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर शी वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल, इट वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर इट विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, वी वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर वी विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, यू वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर यू विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल, दे वोंट बी प्लेइंग फुटबॉल या फिर दे विल नॉट बी प्लेइंग फुटबॉल। ठीक है, नेगेटिव बनाने के लिए क्या कर रहे हैं, सिर्फ ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हमारा जो हेल्पिंग वर्ब विल है उसके बाद नॉट लगा रहे हैं। याद रखना बी के पहले विल के बाद में, विल नॉट बी वोंट बी। अब इंटेरोगेटिव, इंटेरोगेटिव क्या होता है, कुछ नहीं जी क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस होते हैं। तो क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस हम कैसे बनाते हैं, बहुत इजी है, हमने हर वीडियो में पढ़ा है। क्या कि जो आइडियली एक सेंटेंस में क्या होता है, सब्जेक्ट उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, बट क्वेश्चन वाले सेंटेंस में ना हम इनकी जगह चेंज कर देते हैं कि पहले हम हेल्पिंग वर्ब रख देते हैं उसके बाद हम सब्जेक्ट रख देते हैं। जैसे कि था आई विल बी प्लेइंग फुटबॉल था ना, तो क्या बन जाएगा, विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, देखो विल आई बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, विल ही बी प्लेइंग फुटबॉल, विल शी बी प्लेइंग फुटबॉल, विल इट बी प्लेइंग फुटबॉल, विल वी बी प्लेइंग फुटबॉल, विल यू बी प्लेइंग फुटबॉल, विल दे बी प्लेइंग फुटबॉल। सिर्फ क्या कर रहे हैं, सिर्फ हम ऑक्सिलरी वर्ब या फिर जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है विल, उसकी और अपने सब्जेक्ट की क्या कर रहे हैं, पोजिशंस को चेंज कर रहे हैं। पहले हम हेल्पिंग वर्ब लगा रहे हैं और बाद में हम सब्जेक्ट लगा रहे हैं, और इससे क्या बन रहा है हमारा क्वेश्चन वाला सेंटेंस। अब हम देखते हैं इसके एग्जाम्पल्स। जॉन विल बी रनिंग अ मैराथन दिस मंडे, जॉन इस मंडे को एक मैराथन भागने वाला है। तो जॉन क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल बी क्या है मेरा ऑक्सिलरी वर्ब, और रनिंग क्या है वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद व्हेन यू अराइव आई विल बी सिटिंग इन द पार्क, जब तुम आओगे मैं पार्क में बैठा होऊंगा। तो आई क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल बी क्या है मेरा ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, सिटिंग क्या है वर्ब के साथ आईएनजी। आई विल नॉट बी लविंग यू, मैं तुम्हें प्यार नहीं करूंगा, आई क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल क्या है ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब, नॉट बी, अब देखो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद ही नॉट आता है, तो ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, फिर बी और फिर वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद विल यू बी वेटिंग फॉर मी, क्या तुम मेरा वेट करोगे, अब क्वेश्चन है तो ऑक्सिलरी वर्ब या फिर हेल्पिंग वर्ब पहले, विल आ गया पहले, अब ऑक्सिलरी वर्ब के बाद क्या आता है सब्जेक्ट, तो आ गया यू, फिर बी वेट के साथ आईएनजी। इट विल बी रेनिंग एट दिस टाइम टुमोरो, कल इस टाइम पे बारिश हो रही होगी, तो इट क्या है मेरा सब्जेक्ट, विल बी ऑक्सिलरी वर्ब, रेनिंग क्या है वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद ही विल नॉट बी विजिटिंग हिज फ्रेंड्स दिस टाइम नेक्स्ट वीक, अगले हफ्ते वो अपने दोस्तों को इस समय नहीं मिलेगा, ही क्या है सब्जेक्ट, विल क्या है ऑक्सिलरी वर्ब, अब नॉट आ गया ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नॉट, फिर बी फिर विजिट के साथ आईएनजी, फिर विल शी बी वॉचिंग टीवी, अब क्योंकि क्वेश्चन वाला सेंटेंस है तो हेल्पिंग वर्ब पहले फिर सब्जेक्ट फिर बी फिर वॉच के साथ आईएनजी। आई एम नॉट गोइंग टू टेक अ शावर व्हेन यू विल कम, ये टेकिंग नहीं होगा टेक होगा, तो आई एम नॉट गोइंग टू टेक शावर व्हेन यू कम, तो ये इस सेंटेंस को रहने दो, ये इसका नहीं है। आई विल नॉट बी ट्राइंग टू डू इट, आई विल नॉट बी ट्राइंग, आई कि मैं कोशिश भी नहीं करूंगा ये करने का, तो आई सब्जेक्ट, विल क्या है मेरा हेल्पिंग वर्ब के बाद आता है नॉट, उसके बाद बी और फिर ट्राई के साथ आईएनजी। दे विल नॉट बी राइटिंग लेटर टू ईच अदर, वो एक दूसरे को लेटर नहीं लिखेंगे, तो दे क्या है सब्जेक्ट, विल क्या है हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, उसके बाद बी आता है, फिर राइट के साथ आईएनजी। दिस टाइम टुमारो वी विल बी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, कल इस टाइम पे हम अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो विल बी भी वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, क्या हम कल इस टाइम पे अपने प्रोजेक्ट पे काम कर रहे होंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन है इसलिए विल मतलब मेरा हेल्पिंग वर्ब आया पहले, उसके बाद आया सब्जेक्ट, उसके बाद आया बी, फिर वर्क के साथ आईएनजी। फिर आई विल बी सिंगिंग डिफरेंट काइंड्स ऑफ सॉन्ग्स स्पेशली मॉडर्न, मैं बहुत सारे डिफरेंट टाइप के गाने गाने गाऊंगा, तो आई क्या है सब्जेक्ट, फिर विल बी
हेल्पिंग वर्ब और सिंग के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद शी विल बी कमिंग हियर, वो यहाँ पर आएगी, तो शी क्या है सब्जेक्ट, विल बी क्या है हेल्पिंग वर्ब, कमिंग क्या है वर्ब के साथ आईएनजी। व्हाट विल यू बी डूइंग व्हेन आई अराइव, जब मैं आऊंगा तब तुम क्या कर रहे होंगे, तो क्योंकि क्वेश्चन है तो पहले क्या आ गया हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद बी, फिर डू के साथ आईएनजी। माय सिस्टर विल बी वेटिंग एट द गेट, मेरी बहन गेट पे वेट करेगी, तो माय सिस्टर क्या हो गया सब्जेक्ट, विल क्या हो गया हेल्पिंग वर्ब, बी फिर वेट के साथ आईएनजी। आई विल बी वॉचिंग टीवी व्हेन शी अराइव्स टुनाइट, जब वो रात को आएगी तो मैं टीवी देख रहा हूंगा, तो आई क्या है सब्जेक्ट, विल बी क्या है हेल्पिंग वर्ब, वॉच के साथ आईएनजी। वोंट वी बी क्लीनिंग द किचन टुमारो, तो वोंट क्या है विल नॉट, विल नॉट के बाद क्या है पहले आ गया ऑक्सिलरी वर्ब, फिर क्या आएगा सब्जेक्ट, फिर बी यहाँ लिखा नहीं है बट बी भी आएगा, और क्लीनिंग मतलब वर्ब के साथ आएगी। शी विल बी लर्निंग स्पेनिश, वो स्पेनिश सीखेगी, तो शी क्या है सब्जेक्ट, विल बी क्या है हेल्पिंग वर्ब, फिर लर्न के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद विल इट बी रेनिंग ऑल डे टुमारो, क्या कल पूरे दिन बारिश होने वाली है, तो क्वेश्चन है तो पहले ऑक्सिलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर बी, फिर रेन के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। उसके बाद द चिल्ड्रन विल बी स्लीपिंग टिल लेट ऑन थर्सडे, बच्चे रात को देर तक सोएंगे थर्सडे को, तो चिल्ड्रन क्या हो गया सब्जेक्ट, विल बी क्या हो गया ऑक्सिलरी वर्ब, और स्लीप के साथ आईएनजी मतलब वर्ब के साथ आईएनजी। यहाँ पर खत्म होता है हमारा फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस, और अगर आपने पहले की वीडियोस नहीं देखी है तो आई हाईली हाईली रेकमेंड कि आप उन वीडियोस को देखें, आपकी उन वीडियोस से बहुत ज्यादा हेल्प होने वाली है। और अगर आपको कोई भी डाउट है ना किसी भी चीज में, तो आप मेरे को कॉमेंट्स में डेफिनेटली पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई जरूर करूंगी। और अगर आपको इस वीडियो से हेल्प मिली हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करना, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, और जितना ज्यादा शेयर हो सके प्लीज शेयर करना, मेरे को बहुत सपोर्ट मिलेगा और मेरे को बहुत मोटिवेशन मिलेगी। और अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय।